हेलो फ्रेंड्स, जब भी आपका दाल चावल खाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। इस रेसिपी की खास बात यह है कि बहुत ही सिंपल तरीके से और कम समय में यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को बिना स्किप के पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी गायु। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपीज को बनाना बताया जाएगा, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और बना भी सकते हो। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैन लूंगी। पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल को मैं पैन के चारों ओर अच्छी तरीके से फैलाऊंगी। उसके बाद तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें अपने कटे हुए पनीर को डाल दूंगी। तो आप एक बात का ध्यान दें, आप तेल को गर्म होने के बाद ही इसमें पनीर डालें और पनीर को हल्के हल्के हाथों चलाते हुए इसे आपको पकाना है। आप चाहो तो यहाँ पर बारीक आलू काट करके भी डाल सकते हो, जिससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पनीर में ही मैंने यहाँ पर सोयाबीन डाला है। तो सोयाबीन को मैंने फूलने के लिए 10 मिनट पानी में रख दिया था। जब हमारी सोयाबीन अच्छे से फूल जाएगी तब उसका सारा पानी को हम निकाल लेंगे और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहो तो सोयाबीन को ऐसे खड़ा भी डाल सकते हो, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस सोयाबीन को डालने के बाद मैं पनीर और सोयाबीन को लगातार चलाते हुए फ्राई करूँगी, ताकि पनीर और सोयाबीन जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर आपको पनीर और सोयाबीन को हल्का सा फ्राई करना है, जिससे कि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे पनीर और सोयाबीन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने सारे सोयाबीन और पनीर को निकाल लिया है। फिर उसी पैन में मैं यहाँ पर एक चम्मच तेल डालूंगी। तेल जब गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें आधी छोटी से भी कम जीरा डालूंगी। एक हरा मिर्च को बारीक काट करके डाला है। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को लच्छे में काट करके इसमें डाला है। उसके बाद मैं इस प्याज को अच्छे से भूनूंगी। आप यहाँ पर चाहो तो इस टाइम पर भी आप बारीक आलू काट करके डाल सकते हो, तो आलू आपके जो है जल्दी से गल जाएंगे अगर आप प्याज के साथ साथ उसे भूनोगे तब। तो प्याज को अच्छे से भूनेंगे नहीं हम यहाँ पर, बस उसे हल्का सा चलाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा शिमला मिर्च। आप यहाँ पर गाजर भी बारीक काट के डाल सकते हो। इन दोनों को अच्छे से मैं यहाँ पर भूनूंगी। हल्का सा जब ये भून जाएगा तब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करूँगी, जिससे कि हमारी सब्जियाँ हैं बहुत ही जल्दी गल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारा जो टाइम है वो बचेगा और जो हमारा रेसिपी है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम विनेगर और आधी छोटी चम्मच से भी कम सोया सॉस ऐड करेंगे, जिससे कि बिल्कुल मार्केट वाली टेस्ट आएगी हमारी फ्राई राइस में। तो बस आधी छोटी चम्मच से भी कम सोया सॉस और विनेगर डालने के बाद इसे अच्छे से प्याज में हम मिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो डालने के बाद हम यहाँ पर अपने बनाए हुए चावल को यहाँ पर डालेंगे। तो चावल को आप बना करके इसे ज़रूर ठंडा होने के लिए रख दें, तभी आप फ्राई राइस बनाएं। तो आपका जो फ्राई राइस है बहुत ही खिला खिला और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चावल डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से प्याज में मिक्स किया है। उसके ऊपर मैंने डाला है फ्राई किए हुए अपने सोयाबीन और पनीर। फिर मैंने इसमें डाला है एक मैजिक मसाला, जिससे कि फ्राई राइस में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट की तरह। मार्केट में जो मसाले होते हैं वो दिखाते नहीं है, बट यही मसाले होते हैं जो पैकेट से खोल करके बस डब्बे में रख देते हैं। तो बस इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसे 2 से 3 सेकंड के लिए आप इसे ढक करके रख दें, जिससे कि आपके जो मसाले हैं और चावल हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो आप एक बार इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
और आशा करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।